गहराइयों से हम आभार प्रकट करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका ये साथ हम सभी को इसी तरह से आगे भविष्य में प्राप्त होता रहेगा। कितनी सीटें देते परिवार के 5 सदस्यों में सिमट करके रह गए और 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीत करके ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने का काम 2014 में किया था। आप सबने आशीर्वाद 2017 में इसी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया। ये 47 में सिमट गए, कांग्रेस 7 पर सिमट गई। इन्होंने क्या दावा किया था 2017 में कि हम 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे। 2019 में तो ये प्रधानमंत्री पद की ये बुआ भतीजे दोनों शपथ लेने की तैयारी करने लगे या मोदी जी को हरा देंगे। अरे कभी शासन में रह करके उन गरीबों के लिए काम किया होता तो गरीब तुम्हें जरूर वोट देता, पिछड़ा जरूर वोट देता, दलित जरूर वोट देता, अगड़ा जरूर वोट देता, नौजवान देता, किसान देता, मजदूर देता। लेकिन जब सत्ता में आते हो सब भूल जाते हो। तो जनता ने बताया सपा बसपा गठबंधन कर ले, लोकदल उसमें शामिल हो जाए, कांग्रेस उसमें शामिल हो जाए, लेकिन मोदी जी को देश की जनता, प्रदेश की जनता जिताने का ठान चुकी थी। करवा देती है, अरे तुम गरीबों के, किसानों के, व्यापारियों के, उद्योगपतियों के, सरकार के जमीनों पर कब्जा करके अपनी इमारत खड़ा करोगे। जहां पर गरीबों के लिए इमारत खड़ी होनी चाहिए तो वहां बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपना चुनाव निशान बदल करके बुलडोजर रख लेना चाहिए। मुझे मेरे पत्रकार मित्रों ने सवाल कर दिया कि अखिलेश जी ने आपको ये सलाह दी है। मैंने कहा वो तो मेरे सलाहकार नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने मुझे सलाह दिया है तो मेरी भी सलाह उन तक पहुंचा देना। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान अगर वो बुलडोजर करने की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान AK-47 रख लें, क्योंकि इनके पास कौन है? सपा बसपा कांग्रेस, सपा से अपराधियों को निकाल दो, बसपा से भ्रष्टाचारियों को निकाल दो, कांग्रेस से फोटो खिंचवाने वालों को निकाल दो, तो इनके पास कौन बचेगा? कोई बचेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। कोरोना काल में भी हो सकता था आप जिस तरह के बयान दे रहे हैं कहीं ना कहीं अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिए मेरे मित्र, हम चाहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश कमल के फूल की तरह खिल रहा है, मेरे पत्रकार मित्रों के जीवन में भी कमल के फूल की तरह यानी ऐसा खिलापन आवे। हमें गुंडों, माफियाओं, अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए लड़ाई लड़े। आज अपराधी, गुंडे, माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग रहे हैं। आप भी सुरक्षित हैं, प्रदेश भी सुरक्षित है, यहाँ की जनता भी सुरक्षित है, यही हम लोग सड़क में गड्ढे बहुत हैं, जहाँ गड्ढे हैं उन गड्ढों को एकदम समाप्त कर देंगे, जैसे सपा बसपा कांग्रेस को। अखिलेश जिस तरह से योगी जी को चिरंजीवी की तरह कहते हैं, चिरंजीवी कहते हैं, क्या कहेंगे उस पर? हम लोग संस्कारित लोग हैं और जो कोई भी अपशब्द का प्रयोग हमारे किसी भी नेता के प्रति करेगा उसका जवाब जनता देगी। मथुरा की बारी से बड़ी कोई टेट का पेपर लीक हो गया, कब तक होगा मंत्री साहब? पेपर कब तक होगा टेट का? लीक हो गया 26 दिसंबर के लिए। उसमें बिहार के विधायक का नाम आ रहा है, उसमें क्या कहेंगे? गोरखपुर कनेक्शन भी सामने आ रहा है। अपराध करने वाला कोई हो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और हमारी सरकार ने करके दिया। कितनी सीटें ला रही है आपकी सरकार? कितने सीटें ला रही है मंत्री साहब? मंत्री जी कितनी सीटें ला रहे हैं 2022 में? कितनी सीटें ला रहे हैं?